Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today mixed economy or mixed economic system. By the end of this lecture, you will be able to understand the basic concept of mixed economy, and these are all the lesson objectives. I will also teach you why do governments intervene in the market, and I will also explain you some disadvantages of mixed economic system. The lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. Welcome back, and this is our topic, mixed economy, and these are the learning objectives. चलिए जी move करते हैं. Mixed economy क्या होती है? इससे पहले मैंने lecture बनाया था command economy पे, या जिसे आप planned economy भी कहते हैं, और market economic system पे. अगर हम उन दोनों को combine कर दें तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है, और यही मैंने यहां दिखाया हुआ है. गौर से देखो, कमांड इकोनॉमी प्लस मार्केट इकोनॉमी, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ रेफर करते हैं. बहुत ज्यादा इन डेप्थ मैं आपको अभी इसमें लेके नहीं जा रहा, क्योंकि आपको थीसिस नहीं लिखना है. अगर आप इस लेवल के स्टूडेंट हैं कि आपको थीसिस लिखना है, या आप मास्टर्स कर रहे हैं और आप मुझसे رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر انڈیویجول کلاسز دیجیے گا, وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو میں کھول کھول کے سمجھا دوں گا. اچھا جی, مکسڈ اکانومی از آلسو نون ایز ڈوئل اکنامک سسٹم. کبھی ایگزام میں ڈوئل اکنامک سسٹم کا ورڈ آتا ہے اور اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار ڈوئل اکنامک سسٹم کیا ہوتا ہے, ڈوئل اکنامک سسٹم, ابھی دو اکنامک سسٹم. او بھائی, دو اکنامک سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کیپیٹل اکانومی एंड मार्केट इकोनॉमी दोनों साथ साथ चलती हैं. दोनों मिक्सचर जब दोनों का होता है, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, और उसे हम ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं. अब थोड़ा सा समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है. मिक्स्ड सिस्टम कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड द कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द मार्केट सिस्टम अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल. क्वेश्चन ये है, रेगुलेटरी कंट्रोल क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कौन कर रही है? गवर्नमेंट. और उनको बहुत सख्ती से मॉनिटर कर रही है कंट्री में, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंड मार्केट फोर्सेस भी खुद ऑपरेट हो रही हैं. समझ आई बात यहां पे? टू सर्टेन एक्सटेंड मार्केट फोर्सेस भी खुद से ऑपरेट हो रही हैं. अच्छा जी, आगे मूव करते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी इट अलाउज गवर्नमेंट्स टू इंटरफेयर. देखो, मैंने यहां पे ये वर्ड यूज नहीं किया कि फुली कंट्रोल. गवर्नमेंट्स मिक्स्ड इकोनॉमी में इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर करती हैं. वो पूरी तरह से सारे मामलात को कंट्रोल नहीं कर लेते. कुछ एरियाज को गवर्नमेंट्स अपने हाथों में रखती हैं, कुछ एरियाज को वो नहीं करने देते कंट्रोल, कुछ एरियाज को वो छोड़ देती हैं गवर्नमेंट, खुद करो, हम सिर्फ नजर रखेंगे. कुछ एरियाज को, कुछ सेक्टर्स को, इकोनॉमिक सेक्टर्स को गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम सब्सिडी देंगे. जैसे कि आजकल खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और वही कह रहे हैं कि जी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, हम उसके लिए मुल्क के अंदर गैस भी बंद हुई हुई है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जा रही है, क्योंकि भाई हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारा सामान बाहर जाएगा, जब सामान बाहर जाएगा तो डॉलर आएगा. ठीक है ना जी, तो मेक सेंस. मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, क्योंकि इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है शायद, जिस वजह से हमारे यहाँ अभी तक गैस नहीं आ रही है जनाब, घरों के अंदर बहुत मसाइल चल रहे हैं. सो इट अलाउज गवर्नमेंट्स टू इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो दैट द सोशल एम्स कैन बी अचीव्ड. अब सवाल यहाँ ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती क्यों है, कहाँ करती है? भाई मार्केट में इंटरफेयर करती है. सवाल यह है कि इंटरफेयर का तो मतलब मैंने आपको समझाया कि मदाखलत करती है, कुछ एरियाज को अपने हाथ में ले लेती है, कुछ एरियाज पे स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखती है, कुछ को सपोर्ट करती है. लेकिन करती क्यों है गवर्नमेंट? कोई रीजन होगा, ताकि सोशल एम्स अचीव हो जाएं. अब सवाल यह है कि सोशल एम्स क्या होते हैं, एक गवर्नमेंट के सोशल एम्स क्या होते हैं. इस वर्ड को भी जहन में रखना, आगे मैं तस्वीर के साथ और डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा कि सोशल एम्स एक गवर्नमेंट के क्या क्या होते हैं. सादा सा बताऊं ना, तो लोगों को फैसिलिटेट करना होता है एक कंट्री में. लोगों को, जाहिर है गवर्नमेंट का काम सिर्फ अय्याशियां करना तो नहीं होता. बाहर की कंट्रीज को अगर आप उठाएं,
चाहे आप जीसीसी की कंट्रीज उठा लें, यूएस यूके उठा लें, वहाँ पे गवर्नमेंट का काम आवाम की खिदमत करना होता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स का अनफॉर्चुनेटली पावर में आने का मतलब कुछ और होता है। बहरहाल, मिक्स्ड इकोनॉमीज मेंटेन प्राइवेट ओनरशिप एंड मोस्टली कंट्रोल प्रोडक्शन बट सेल देम अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखो, मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन वगैरह है ना, ये नॉर्मली प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट बिजनेस ही करते हैं, प्राइवेट ओनर्स ही करते हैं, प्राइवेट फर्म्स ही करती हैं। जैसे कि मैंने आपको कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में बताया था कि प्रोडक्शन पूरी तरह से गवर्नमेंट के इदारे अपने हाथ में ले लेते हैं और वही प्रोडक्शन करते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कैपिटल इकोनॉमी में या कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी आप कह लें, उसमें उनके हाथ में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन करती तो प्राइवेट फर्म्स ही हैं, मगर अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हुई यहाँ तक बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दो कार्ड नजर आ रहे होंगे, एक में आपको मियां नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं और एक में आपको पीटीआई का झंडा नजर आ रहा है, चूंकि पीटीआई का कार्ड है। ये असल में आपको बात समझाने की थी। मैंने कहा मैं कोई एक कार्ड ले लूंगा तो दूसरे नाराज ना हो जाए, इसलिए दोनों ले लो। अब मुझे वो पीपल्स पार्टी का जो कार्ड है ना, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाला, उनका मुझे कार्ड की तस्वीर नहीं मिली, वरना मैं वो भी लगा देता ताकि कोई भी नाराज ना हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। इन मिक्स इकोनॉमीज द मनी इज कलेक्टेड, जो मैं अभी आपको समझा रहा था ना सोशल एम की बात, बेसिकली ये होता है, बेसिकली ये हैं सोशल एम्स। मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट्स टैक्स को कलेक्ट करती है, क्यों? ताकि नेशन के, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छी सड़कें प्रोवाइड करना, 24/7 बिजली का प्रोवाइड करना, सेहत के मामलात को सही तरह से चलाना, मुफ्त इलाज प्रोवाइड करना, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है ताकि इन रिटर्न वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सकें। गवर्नमेंट आपसे टैक्स इसलिए नहीं लेती, असल में दुनिया के अंदर जो रूल है वो यही है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स इसलिए नहीं लेती कि आपसे टैक्स लेने के बाद अपनी अय्याशियों पर उड़ाए या अपने मज़ों पर उड़ाए या सिर्फ गवर्नमेंट अफसरान को जो है वो तनख्वाहें दी जाएँ, बल्कि एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है कि वो आपको ये सारी चीज़ें आपके घर की दहलीज पे प्रोवाइड करे, क्योंकि आप गवर्नमेंट को उसकी दहलीज पे टैक्स पे करते हैं। अब ये होते हैं जनाब सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन, सोशल वेलफेयर या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। अब जैसे रिसेंटली हाल ही में पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये इंसाफ कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड वगैरह फराहम किया है। इससे पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी ये एक सेहत कार्ड जो है वो पंजाब में दिया था। एंड इसी तरह से सिंध के अंदर जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद कार्ड जो है वो दिया था, इसका इजरा किया गया था। बेसिकली ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पैसा आपसे टैक्स में लिया जा रहा है उसको रिटर्न सोशल वेलफेयर में, जो कि हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था वो ये हैं, ताकि ये अचीव हो जाए। अब सवाल यहाँ ये है कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या किरदार अदा करती है, किसी भी इकोनॉमी में कैसे अचीव होंगे? चलें जी, अब पहले हम ये समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि गवर्नमेंट्स इंटरफेयर या इंटरवीन करती क्यों है मार्केट में। पहले तो चीज़ ये है कि गवर्नमेंट्स को ये यकीन होता है या उनका ये बिलीव होता है कि देखो, अगर हम फ्री मार्केट ऑपरेशंस अलाउ कर देंगे कि सप्लायर साइड पे एंड बायर साइड पे दोनों मार्केट को खुद ही तय कर लें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करनी है, तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होगी कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। ये गवर्नमेंट्स को यकीन होता है, कुछ भी हो सकता है, सप्लायर साइड पे मार्केट एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, बायर साइड पे मार्केट एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। अब ये मार्केट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो गवर्नमेंट यहाँ कूदती है कि यार हम मामलात को पूरी तरह से अपने हाथ में तो नहीं लेंगे, अलबत्ता हम नज़र ज़रूर रखेंगे, हम मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करेंगे,
रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज को हम सेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि फेयर मार्केट ऑपरेशन हो, इसलिए गवर्नमेंट कूदती है। दूसरा, कंट्रोल कंपटीशन हो, नो ह्यूमिलेशन ऑफ लेबर मार्केट हो। अब ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे दो फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स, जॉइंट फर्म्स मार्केट में ऑपरेट हो रही हैं, उन्होंने कंपटीशन के चक्कर में पता चला जनाब के कभी कभार इस लेवल पे कंपटीशन हो जाता है कि हम कहते हैं प्राइस डिस्ट्रॉयर, ये मार्केट के अंदर हम पढ़ाते हैं, प्राइस डिस्ट्रॉयर की कंडीशन पैदा हो जाती है। वो ये होता है कि अपने कॉम्पिटिटर को किकआउट करने के लिए प्राइसेस को इतना नीचे ले आते हैं मार्केट से कि जनाब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कहीं नीचे चली जाती है और उस प्राइस को कोई मीट ही नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा नीचे बेचने लगते हैं। ये वाले जो बेसिकली सप्लायर हैं, बेसिकली ये बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इनके पास बैकिंग पड़ी हुई है, ये साल दो साल का नुकसान भी उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू किक द कॉम्पिटिटर्स आउट। अब ऐसे में ये मार्केट एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई, इन्होंने तो प्राइसेस नीचे कर दी लेकिन अगर वो फर्म्स आउट हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जितनी लेबर काम कर रही है वो कहाँ जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर सारी फर्म्स ही आउट हो गई हैं तो मोनोपोली कायम हो जाएगी, गवर्नमेंट मोनोपोली तो नहीं कायम होने देगी, ओलिगोपोली तक तो फिर भी गवर्नमेंट को हजम हो जाता है लेकिन मोनोपोली नहीं कायम होने देगी कि जनाब अगर सारी फर्म्स इन्होंने किक आउट कर दी तो ये तो मोनोपोली कायम करेंगे, कल ही हमें थ्रेट करेंगे, कल ही लोगों को चीजें नहीं देंगे, जैसे कि हो रहा है जनाब हमारी कंट्री के अंदर भी हो रहा है कि वो जिसको खान साहब बार बार माफिया 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 कह रहे हैं, बेसिकली वो यही है कि मार्केट फोर्सेज इतनी स्ट्रांग हुई हुई है कि उनके आगे गवर्नमेंट भी जो है वो बेबस होती चली जाती है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कूदती है और किसी को ऐसी हरकतें नहीं करने देती कि जिससे मार्केट पूरी तरह से एक्सप्लॉयट हो जाए। इसे कहते हैं मार्केट एक्सप्लॉयटेशन। बेटर इकोनॉमिक सेफ्टी, यही जो मैंने अभी आपको बात समझाई, इकोनॉमिक सेफ्टी यही एक मामला होता है जिसके लिए मार्केट में कूदती है गवर्नमेंट। अगला क्या है, वो कहता है बेटर कोलैबोरेशन ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स फॉर सब्सिडीज एंड मिनिमम वेज लॉस। अभी जो मैंने आपको बात समझाई थी, गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, इनकी कोलैबोरेशन अच्छी हो, इनकी फिजिक्स अच्छी हो, इनकी केमिस्ट्री अच्छी हो, ताकि जहां हमें सब्सिडी देनी है ना तो वहां पे भी हमें फ़ायदा हो, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, जहां पे हमने वेज लॉस को कंट्रोल करना है वहां पे भी सूरत हाल कंट्रोल में रहे। ठीक है, अब ये थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है, मेन आपको चीदा चीदा वजूहात पता चल गई कि गवर्नमेंट कूदती क्यों है, मार्केट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, दोनों साइड पे किसी तरह की मार्केट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेकिन इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अब उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट बेसिकली फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसके लिए डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आप लोगों को समझ आए कि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट, एक कंट्री में पैसे की एक्सचेंज रेट, इसको संभालना, पैसे के रेट को देखना, प्राइसेस का देखना, ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही आती हैं। डिटेल्स में मैं इस वक्त नहीं जा रहा, अपने लेसन को मैं ड्रैग नहीं करना चाहता। इन मिक्स्ड इकोनॉमीज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी दोनों पॉलिसीज फॉर्मुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। क्यों, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट किया जा सके, संभाला जा सके, उसको कंट्रोल बेहतर तरीके से किया जा सके। अगर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, नीचे जा रही है, या टफ टाइम से गुजर रही है जैसे कि कोविड के मामलात हैं, ऐसे मामलात के अंदर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह से अपने हाथ में ही रखती है। देखो, अगर कोई गवर्नमेंट, कोई इकोनॉमी प्योर मार्केट इकोनॉमी होगी तो वहां पर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का नॉर्मली सवाल पैदा नहीं होगा। ये सारी चीजें मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया में, मैंने आपसे कहा ना कि फ्री मार्केट ऑपरेशंस की कोई मिसाल है नहीं इस वक्त, तो हर जगह पे नॉर्मली आपको मिक्स इकोनॉमीज या रेयरली आपको कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम मिलेगा, और उससे भी ज्यादा रेयरली आपको थोड़ा माइक्रो लेवल के ऊपर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मिलता है। ठीक है जी, अच्छा जी, मूव करते हैं आगे। अब सवाल यहां यह है कि प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस के साथ क्या किया जाए। अब ये है गवर्नमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव, और से समझो, इन मिक्स्ड इकोनॉमीज गवर्नमेंट्स मोटिवेट बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर टू सीक मोर एंड मोर प्रॉफिट। गवर्नमेंट की क्या कोशिश होती है, वो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, उन्हें मोटिवेट करती है कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाए। लेकिन
गवर्नमेंट उनके प्रॉफिट लेवल्स को भी मॉनिटर करती है। क्यों करती है? ताकि जो पैसा वो कमा रहे हैं उन पे प्रॉपर टैक्सेशन अप्लाई करके उस पैसे को सही तरह से वेल्थ को इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। उनके प्रॉफिट लेवल्स को भी मॉनिटर करती है, जैसे कि मैंने आपको कंपटीशन की मिसाल दी, उनके प्रॉफिट लेवल को मॉनिटर करती है, कहीं वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना बना लें, ठीक है, कि दूसरी फर्म्स बाहर हो जाएं और ये जो है वो सबको किकआउट कर दें मार्केट में। अगर ऐसा हो गया तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि पैदा हो, ठीक है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि सोशल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट किया जा सके। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द एग्रीबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द इकॉनमी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक इकॉनमी में प्रॉपर रखा जाए। यानी कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती असल में कि यार उसके जो लोग हैं वो गरीब हों, असल में ये नहीं चाहती। आई डोंट नो कौन सी कंट्री ये चाहती हो, मगर असल में गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हमारे यहाँ लोग प्रॉस्पर करें, ऊपर बढ़ें, आगे बढ़ें, पैसा कमाएं, पैसा कमाएंगे तो हमारे भी मज़े होंगे जी, गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों करती है? ताकि सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। मॉनिटर क्यों करती है? ताकि उन पर प्रॉपर तरीके से टैक्स लगाया जा सके और उनसे पैसा कलेक्ट किया जा सके। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए रखती है ताकि मार्केट एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना हो और इस पैसे को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंट्री के बढ़ा सके। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल मिसाल दी जाती है ना कि जी फलां दुनिया के मुल्क के अंदर तो पेट्रोल इतना महंगा है, उतना महंगा है, इतना महंगा है, उतना महंगा है। भाई साहब वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ज़रा आप चेक कर लें, देन यू विल गेट टू नो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यूएसए की एग्जाम्पल। देखें, यूएसए इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये एक प्योर मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मैंने इससे पहले के एक लेक्चर के अंदर बताया था कि वो मार्केट इकोनॉमी भी है, मार्केट इकोनॉमी भी है, लेकिन असल में यूएसए प्योर मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन क्यों है? देखो, प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेसेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स। यूएसए के अंदर जितने भी प्रोडक्शन साइड बिजनेसेस हैं मोस्टली तकरीबन सारे वो ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है, उनके रूल्स रेगुलेशन लॉ ये बनाती है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर, गवर्नमेंट के सेट किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के बगैर एक बोतल का ढक्कन बना के दिखाते हैं आप वहाँ पर, नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कर कौन रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं। कानून किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करेंगे आप, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स, और भाई ये नहीं होगा कि आप जो है वो ऐसी तैसी कर जाएं पूरी कंट्री की, ये नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट कीप द पार्शियल और फुल ओनरशिप। कभी कभार कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हुए हैं वहां पे यूएसए में जिनकी या तो पार्शियल या फुल ओनरशिप गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई है। अब वो कौन सी सेक्टर्स हैं? नेशनल डिफेंस सेक्टर, ठीक है, एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, और आर्म प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ तो आर्म प्रोडक्शन लोकल भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, जितना भी असलहा बनेगा वो सारा यूएसए की गवर्नमेंट की ओन्ड फैक्ट्रीज के अंदर बनेगा, से बाहर नहीं बना सकता कोई, बना ही नहीं सकता। वहाँ पे कोई एरिया जैसे नहीं है जो लोगो एरिया हो जहाँ पे असलहा बनना शुरू हो जाए। वो ये कंप्लेन ज़रूर करते हैं कि बाहर से लोग असलहा ले आते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो एक दीवार वार खड़ी की मैक्सिको की एंड सो ऑन, वो ये कंप्लेन ज़रूर करते हैं, मगर असल में वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें उनके अपने हाथ में होती हैं। हाँ, इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं वो। अच्छा, आगे मूव करते हैं जनाब। अब सवाल यहाँ पे आता है अक्सर एग्जाम में कि इज मिक्स्ड इकोनॉमी अ लेज़र इकोनॉमिक सिस्टम। ये मैंने सवाल मास्टर्स के एक एग्जाम में देखा था तो मैंने इसको यहाँ उठा दिया। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी लेज़र इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेक्चर बनाया था लेज़र लीडरशिप स्टाइल पे, और वो ये था कि जब एक लीडर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो डिजिमिनेट कर देता है
निचले लेवल पे कि अब वो जो मर्जी चाहे करें, जैसे चाहें काम को करें, इसे हम कहते हैं लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेकिन यहां पे अगर हम लेजी फेयर का वर्ड यूज करते हैं तो उसका सेंस ये बनना चाहिए कि गवर्नमेंट ने चीजें छोड़ दी, भाई तुम लोग देखो, तुम लोग जानो, मार्केट फोर्सेस को कह दिया आप जाने। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। कुछ चीजें गवर्नमेंट ने हाथ में रखी हुई, कुछ दी हुई हैं, और जो दी हुई है उन पे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, उनको ऑब्जर्व कर रही है, तो ये लेजी फेयर तो नहीं हुआ। तो ये आंसर है नो। बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो यस लिख देते हैं। अब अंदाजा लगाएं, अब इसको रीड करना शुरू करें। इन मिक्स इकोनॉमी गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, वो प्लानिंग में इन्वॉल्व है, प्लानिंग में इन्वॉल्व है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पास तो कर रहे हैं मगर वो आपको नहीं दे रहे कि अपनी मर्जी से चाहे आप कर लें। द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज कैन बी गाइडेड बाय द गवर्नमेंट। स्केर्स रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है ये गाइड करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही टैक्सेस लगाती है, रिडिस्ट्रीब्यूट करती है वेल्थ को प्राइवेट सेक्टर में। ये लेजिस फेयर तो नहीं हो रहा। लेजिस फेयर तो मतलब क्या है, नीचे ऑपरेट करने को दे दिया लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा, ये तो सारी चीजें गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो लेजिस फेयर तो नहीं हुआ ना। अगर आपको जस्टिफिकेशन मांग लो और 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक 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 करके एक्सप्लेन करें, जस्टिफिकेशन हो गई, प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। गवर्नमेंट यूजेस फंड्स व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्सेस टू मीट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है सोशल ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, लेजी फेयर कहां से हो गया, वो अलाउड नहीं करी मार्केट फोर्सेस को खुद करने के लिए। ठीक है, trade protection, providing subsidies to sectors like agriculture, fiscal policies are regulated by the government, private partner ownership and so on. चलें जी आगे move करते हैं। Mixed economic system के disadvantages क्या हैं? Disadvantage number one, the main objective is to make profit. Government का या मार्केट फोर्सेस का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाना है। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट इसलिए कर रही है कि वो पैसे ज्यादा बनाए, प्रॉफिट ज्यादा बनाए, उनको सब्सिडीज दे रही है, उनकी हेल्प कर रही है, उनको मॉनिटर कर रही है, पैसे ज्यादा बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, हर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। समटाइम्स वेलबींग ऑफ द सिटीजन इज इग्नोर्ड बाय मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज के अंदर ये होता है कि जब वो पैसे के पीछे भागते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वेलबींग ऑफ सिटीजन वो इग्नोर हो जाती है। किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। इसीलिए गवर्नमेंट कूदी भी होती है कि यार ये ना हो, मगर हर जगह तो गवर्नमेंट नहीं जा सकती, हर जगह तो गवर्नमेंट नहीं कूद सकती, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो उसके हाथ से छूटेंगे। मिसमैनेजमेंट एट माइक्रो लेवल। अब माइक्रो लेवल के ऊपर मिसमैनेजमेंट होती है, हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऊपर ऊपर देख रही है ना। गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज तो सेट कर दी हैं मगर हर जगह पे गवर्नमेंट तो नहीं घुस सकती, हर दुकान में तो जाके नहीं देख सकती। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि माइक्रो लेवल पे मिसमैनेजमेंट हो जाती है। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विच मे रिजल्ट इन इनइक्वालिटी कभी कभार। देखो ये बातें मैं आपको बता दूं, ये डिसएडवांटेजेस हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको दोनों तस्वीर के रुख समझ आ जाए, लेकिन इन रियलिटी मिक्स्ड इकोनॉमी के जो एडवांटेजेस हैं वो ओवरकम करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। क्योंकि अकल से खुद सोचें, मैंने आपको जो अब तक दो इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाए हैं, एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाया है जिसमें मैंने बताया कि मार्केट खुद ऑपरेट होती है, अगर खुद ऑपरेट होने दे दी जाएगी तो वहां तो वैसे ही बुरा हाल बेड़ा गर्क हो जाना है। ठीक है, वहां पे तो सोचा ही नहीं जाएगा, हर इंसान ये देखेगा कि जी हमने प्रॉफिट कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें मार्केट एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगी। अगर पूरी तरह से कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम की हम तरफ चले जाते हैं या प्लान्ड इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं, गवर्नमेंट हर चीज अपने हाथ में ले ले, तो फिर नीचे बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसको थोड़ी पता होगा नीचे क्या क्या मामला हो रहे हैं। तो इसलिए एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिसका नाम मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ फैसले आपके, कुछ फैसले हमारे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करें और हम ऑब्जर्व करेंगे, आपको आप पे नजर रखेंगे। सो व्हाट, बेहतरीन इकोनॉमिक सिस्टम है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में रिजल्ट समटाइम्स इन इनएफिशिएंसी। कभी कभार ये जरूर होता है कि गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो क्योंकि उसे ग्रास रूट लेवल का अंदाजा नहीं होता और वो एक रूल पास कर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में ये रूल पास कर दिया जाए कि भाई यहाँ पे जो है वो सिर्फ अब हमारे नेशनल, इस सेक्टर में हमारे नेशनल काम करेंगे, इसके रिजल्ट डिजास्ट्रस निकल सकते हैं क्योंकि आपके नेशनल फॉर एग्जांपल तैयारी नहीं है,
अगर उस कंट्री के नेशनल जो है वो तैयार नहीं है उन जॉब्स के लिए, उनकी स्पेशलिटी नहीं है उन जॉब्स की, तो वो उस इकोनॉमिक सिस्टम को, उस इकोनॉमिक सेक्टर को वैसे बिठा देंगे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे शायद वो कंट्रीज अभी अपने नेशनल्स को समझी नहीं है या समझना नहीं चाहती हैं, इसलिए ये मसाइल सामने आते हैं। अच्छा जी, सवाल ये है कि किन कंट्रीज में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है? यूएसए, यूके, स्वीडन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, तकरीबन तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच नेशंस आप जिन्हें कहते हैं, उनमें प्योर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स ऑपरेट हो रहे हैं, मार्केट फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर कर रही है हर चीज़ को। तो फिर सवाल ये है कि हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हमारे यहाँ कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? हमारे यहाँ भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, लेकिन ये थोड़े से इम्बैलेंस्ड हैं। कहीं पे हमारे यहाँ मार्केट फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो गवर्नमेंट उनके आगे थोड़ा सा झुक जाती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। कहीं पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो उनके साथ मिलके काम करती हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में आप सुन रहे हैं कि जी माफिया सरगर्म है, शॉर्टेज हो गई, ये हो गया और वो हो गया, बेसिकली ये मार्केट फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होने की निशानी है, ठीक है? तो लिहाजा हमारे यहाँ भी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम ही है, मगर हमारे यहाँ, हमारी हम चारों कंट्रीज़ के अंदर नॉर्मली वो ये है कि कुछ एक्सटेंट तक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, थोड़ा सा मार्केट फोर्सेस पावरफुल हैं, एंड कहीं कहीं हमारे रूरल एरियाज़ में, दूर दराज के सिटीज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में, सेक्टर्स में ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम भी फॉलो होता है। अब ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ये है चौथी वीडियो जो इकोनॉमिक सिस्टम की लास्ट वीडियो होगी। मूव करते हैं जनाब लेसन रैपअप की तरफ। मैंने आज आपको पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कुछ पीटीआई की एंड पीएमएलएन की भी मैंने मिसालें दी आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। व्हाई डज गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट, ये मैंने आपको क्लियर किया। फिस्कल पॉलिसीज कौन और क्यों रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट करती है ताकि मार्केट एक्सप्लॉयटेशन ना हो। यूएस की एग्जांपल पढ़ाई। लेज़े फेयर, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया कि इज द मिक्स्ड इकोनॉमी अ लेज़े फेयर इकोनॉमी? तो आंसर इज नो, क्योंकि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, सारे फैसले वो करने को अलाउ नहीं करते। डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ाया मैंने, कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी कंट्रीज की मैंने एग्जांपल दी। अगली वीडियो, अगला लेक्चर मेरा आएगा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम पे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इकोनॉमिक सिस्टम का। चार तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है, प्लांट या कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तीनों कवर हो गए हैं, लास्ट रह गया है ट्रेडिशनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दें, उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।